गाइस, मैं हूँ आरव और आज की इस वाली वीडियो में मैं एक कैनवास पेंटिंग करने जा रहा हूँ। और ये पेंटिंग मेरी अब तक की सबसे बेस्ट पेंटिंग होने वाली है और अब तक की मेरी सबसे बड़ी पेंटिंग भी। मैंने बड़े कैनवास पे आज तक मैंने पेंटिंग नहीं किया है। इस ड्राइंग को मैं होली के लिए वैसे बना रहा हूँ, उसके लिए सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। 2 दिन में मुझे इस पूरी ड्राइंग को कंप्लीट करना है। मैं इस पे राधा कृष्ण की एक पेंटिंग बनाने वाला हूँ, वो फटाफट से चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, आउटलाइन मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। आउटलाइन करने से पहले इस पे एक वाइट एक्रेलिक कलर का कोट किया है। सबसे पहले कुछ इन कलर्स को इस टाइप के ग्लासेस में पानी डाल के और कलर डाल के मिक्स कर लेंगे। तो गाइस मैं कैनवास को पहले छत पे लेकर चलता हूँ। गाइस मैं कैनवास और कलर्स को छत पे लेके आ गया हूँ और अब मैं सबसे पहले कैनवास को गीला कर लूँगा, फिर इस पे कलर्स को फैला दूँगा। गाइस बैकग्राउंड कंप्लीट हो चुका है और मैंने उसे शाम तक सूखने के लिए भी रखा था और शाम अभी हो चुकी है। आप लोग देखो, आप लोगों को कैसा लगे आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। तो देखो कैसा बना। तो गाइस बैकग्राउंड कुछ ऐसा लग रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और पेंटिंग हो जाने के बाद और भी अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं कैमल के आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगा और साथ ही साथ मैं वाइट 40 ml का एक एक्रेलिक कलर का ट्यूब यूज़ करूँगा। गाइस कृष्ण के फेस और हेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बस थोड़ा बहुत काम ही बाकी। तो गाइस कृष्ण जी कंप्लीट हो गए हैं, बस राधा जी की ड्राइंग बनानी बाकी है, कलरिंग करनी बाकी है, तो चलो उसे भी कंप्लीट कर देते हैं। तो गाइस मैंने राधा जी इतनी कंप्लीट कर ली थी, मेरा गाइस कैमरा बंद हो गया था इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। तो गाइस पेंटिंग कम्प्लीट हो गई है, बस नेम लिखना बाकी है। तो गाइस ड्राइंग कम्प्लीट हो चुकी है और अगर आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी ये ड्राइंग। इस ड्राइंग में 2 दिन की मेहनत है, 2 दिन लगे इस ड्राइंग को करने में, तो और इतना बड़ा साइज था कि करते करते हालत ख़राब हो गई मेरी। सो आप लोग बताओ आप लोगों को कैसी लग रही है। 25 को होली है तो एडवांस में हैप्पी होली और जय श्री कृष्णा।